एक अच्छी कंपनी है, अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, पुरानी कंपनी, और आपने सही कहा दीपाली जी, लगता नहीं था कि ये इतनी पुरानी कंपनी होगी, बट एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसका एक पार्ट है और बेहतरीन इनफैक्ट परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया। अगर आप पिछले कई सालों से देखें, 2007 से लेकर अगर 2017-18 तक देखें, तो सबसे बढ़िया चीज़ जो इस कंपनी में लगी है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बार बार हर स्टॉक में मैं सबसे ज़्यादा इसी पैरामीटर को देखता हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के आगे रिटर्न्स देगी कोई कंपनी या कोई स्टॉक। तो आप देखिए 9% के ROCE पे ये कंपनी काम करती थी मार्च 2007 में, और आज अगर मार्च 2018 के रिजल्ट्स देखें तो उसमें 24% का ROCE है। तो ये बहुत एनकरेजिंग है और कंपनी बहुत अच्छा ग्रो की है और बहुत ही अग्रणी कंपनी है। बट फिर भी जो टू व्हीलर सेक्टर में अभी इन दिनों में एक पिटाई हुई है, रीजन बीइंग कि मंथली नंबर्स भी अच्छे नहीं आए, बट आने वाले सालों में वापस से आएगा, क्योंकि इंडिया का जो रूरल कंजम्पशन है उस स्टोरी के ये बहुत बड़े बेनिफिशियरीज रहेंगे। बट फिर भी मैंने जो एक कोशिश की है कि मुझे हीरो मोटो को अब संभाव इस सेगमेंट में ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैंने वहाँ स्विच करने की राय दी है। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड भी कर सकते हैं, बट अगर फ्रेश बाइंग करनी है टू व्हीलर स्पेस में तो वो मुझे हीरो मोटोकॉर्प लगता है, और वहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो इन लेवल्स में भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और बाकी जिनको टीवीएस मोटर्स अगर होल्ड करना है तो वो 660 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सलाह यहाँ पर क्लियर है, टीवीएस मोटर अगर आपके पास है तो बने रहिए स्टॉक में 660 के टारगेट के साथ। अगर नई एंट्री लेनी है, अल्टीमेटली पर्पस इस शो का यही है कि निवेशकों का पैसा बनना चाहिए, और संदीप जी की सलाह यही है कि नई खरीदारी के लिए आप टीवीएस मोटर की जगह हीरो मोटोकॉर्प को चुनें। देवांशी फटाफट आपका अगला स्टॉक। बिल्कुल, ये पीन इंडस्ट्री का काउंटर है और कंसाई नैरोलेक ये है कंपनी, और मैं आपको बता दूं कि इसने जो शुरुआत की थी 1920 में की थी, और यहाँ पे तीन ब्रिटिश कंपनी थी जिसका विलय होके उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जो पेंट इंडस्ट्री में थी, और ये इंडस्ट्रियल पेंट में यहाँ पे डील करती थी। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला नाम था वो था गुडलास वॉल लिमिटेड। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जो टाटा फोर्ब्स है उन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी थी, तो ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी बन चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने एक जापान की कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी के लिए एक करार किया था जो था 1983 में। उसके बाद ये जो करार हुआ था उसके बाद 1999 में कंसाई जो नाम है वो जो कंसाई कंपनी है उन्होंने जितनी भी हिस्सेदारी टाटा ग्रुप के पास थी वो उन्होंने खरीद ली थी, और तो इस तरह से उनका जो नाम है वो कंसाई नैरोलेक पड़ा था। तो मुझे याद है कि हमने भी बचपन से एड सुने, मतलब अगर किसी पहली पेंट कंपनी का एड देखा था टीवी पे सुना था तो वो नैरोलेक ही था। संदीप जी आपका व्यू? बिल्कुल अच्छी लगती है कंपनी, इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन सी रणनीति अपनानी चाहिए। रीजन बीइंग देखिए, आप जो तीन चार कंपनियां पेंट्स में यही सबसे बड़ी है, भले एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नैरोलेक और एक्जोनोबेल, बाकी छोटी मोटी कंपनियां हैं, शालीमार पेंट्स इनफैक्ट वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कंपनीज है इंडिया की पेंट्स में, बट फिर भी ये कंपनियों ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दी है, और आप जो कंजम्पशन थीम है इंडिया का उसका एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि कांसाई नैरोलेक जो टॉप थ्री नेम्स जो है पेंट्स कंपनीज में उनमें से वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ती है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि एशियन पेंट्स जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे, बर्जर पेंट्स भी होल्ड कर सकते हैं, बट कांसाई नैरोलेक मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइंस पे ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल है, जहां पे भी मौका मिले नीचे आए तो लें, बट फिर भी जिन्होंने ले रखा है और जिनको लेना है वो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, और 530 के टारगेट के लिए इसके टारगेट हैं। बायोन डिप्स की सलाह है कंसाई नैरोलेक में, 6 से 12 महीने के ये लक्ष्य आपको सुझाए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर भी हम तीन और बेहतरीन कंपनियां आपको बताएंगे जिनका शानदार इतिहास रहा है और आगे भी शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, शानदार सत्र में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल, शानदार 70 रिपब्लिक डे के मौके पर, और हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों की जिनका 70 सालों से भी ज्यादा पुराना इतिहास है, और कंपनियां बहुत मजबूत हैं, भारत की ग्रोथ स्टोरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और आगे भी दमदार परफॉर्म करेंगी। चार कंपनियां हमने आपको बताई जिनका अब तक जिक्र किया, ITC, कंसाई नैरोलेक, बॉम्बे बर्मा, लेकिन अब कुछ और कंपनियों पर करते हैं फोकस। इनफैक्ट रजत देवांशी, मैं आप दोनों से पूछना चाह रही हूँ, आपने जितने भी स्टॉक्स बताए हैं मतलब इसमें टेक्सटाइल का जिक्र अब तक नहीं है, मतलब बॉम्बे आने के बाद जो सबसे पहली चीज नोटिस हुई वो थी आगे पुरानी टेक्सटाइल मिले, तो क्या कोई कंपनी नहीं जो जिसका इतिहास 70 सालों से ज्यादा पुराना हो? रजत मेरे पास तो है, अरविंद है, खैर एक इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका इतिहास पुराना है। 1897, आप कितने साल बोल रहे थे? मेरे पास तो 1897 तक का डेटा है। 1897 में सरसपुर इकाई इन्होंने शुरुआत की थी, और
गुजरात नरोडा अहमदाबाद में, कहाँ रहते हैं आप दिवांशी? गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद, लेकिन ये नरोडा अलग है। अच्छा ठीक है, पर अहमदाबाद में आप रहे इनका हेडक्वार्टर। गुजरात बेस्ड कंपनी, 1935 में एक्सपोर्ट की शुरुआत की इस कंपनी ने। 1980 में इनका जो ब्रांड लॉन्च किया था वो था फ्लाइंग मशीन, इस नाम से इन्होंने भारत में डेनिम का उत्पादन शुरू किया। चौथी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है डेनिम की दुनिया में, तो ये बहुत इन्होंने इंडियन ग्रोथ स्टोरी को, जो अब टेक्सटाइल से नेट इंपोर्टर हुआ करता था इंडिया, उसके बाद ये तो एक्सपोर्ट करने लग गई ये कंपनी। अच्छी है, इतिहास भी बेहतरीन है। लेकिन संदीप जी, स्टॉक बेहतर फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी थोड़ा सा बॉदर कर रहा है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ज्यादा चल नहीं रहा है, क्या व्यू है आपका? नहीं, बहुत सही आपने नोटिस किया कि इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं हो रहा है, बट खास बात यह भी है जो इस कंपनी का अब डीमर्जर हुआ है उसके बाद ये अब टेक्सटाइल की कंपनी रह गई है प्योरली, और ये लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर्स में से वर्ल्ड के, इनफैक्ट जो चौथी आपने बताई, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे ये अट्रैक्टिव हो चली है, और जो कंपनी आगे भी ग्रोथ देगी, मुझे लगता है कि कम से कम 10-15% की ग्रोथ आगे भी कंपनी देगी, तो मेरे हिसाब से तो देखिए इस कंपनी में जिन्होंने निवेश कर रखा वो होल्ड करके रखें, और बाकी फ्रेश निवेश के लिए अगर एंट्री लेनी है तो कहीं भी अगर करेक्शन आए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक्स मार्केट्स के साथ करेक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर फैंसी स्टॉक भी है, FNO में भी है, तो वॉलेटाइल रहते हैं, तो अगर 80 का लेवल्स आता है जो कि यहाँ से करीब 10% के लगभग नीचे है, तो वहाँ पर बाइंग भी की जा सकती है, बाकी फ्रॉम माई साइड इट्स अ होल्ड। ठीक है, खरीदा हुआ है तो आप होल्ड रखिए 110 के टारगेट्स के लिए, खरीदना चाहते हैं तो इस भाव पर नहीं, कोई करेक्शन मिले 80 के आसपास आए तो वो बेहतरीन लेवल होगा एंट्री का अरविंद लिमिटेड में, तो ये सलाह है इस स्टॉक पर। देवांशी आप बताइए, तीसरा स्टॉक या फिर तीसरी रिसर्च आपकी कौन सी है? बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने जिस तरह से देखा एक बहुत ही जो लेबर इंटेंसिव एक कारोबार होता है वो टेक्सटाइल के अलावा जूतों का भी होता है, और बाटा ये कंपनी है, वैसे तो इनके जो फाउंडर है वो जैसे हम बताते हैं कि यू नो वो इंडियन वैसे नहीं थे, लेकिन फिर इंडिया में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था कोलकाता से। अच्छा। तो 1931 में कोलकाता में एक छोटा कारोबार उन्होंने शुरू किया था बाटा फैमिली ने, और उसके बाद 1934 में कोलकाता में उन्होंने एक कॉर्पोरेट ऑफिस खरीद ली थी, और जिस तरह से उनको यहाँ पे ग्रोथ दिखी थी, जिस तरह से उनको एक पोटेंशियल दिखा था शू बिजनेस में, ये काफी लगातार था, और 1973 में कंपनी ने अपना IPO लाया था इंडिया में। उसके बाद से हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार अपने जो रिटेल स्टोर्स है वो खोलती जा रही है, और इतने साल से बाटा अगर हम सुनते तो ये था कि जो मिडिल क्लास होते थे और अपर मिडिल क्लास होते थे, और अगर स्कूल जाना है तो सिर्फ बाटा के शूज पहनते थे, तो उन्होंने अपनी एक ब्रांड इमेज बनाई है। अब मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन ये दे रहा है बाकी बड़े प्लेयर्स को भी। नहीं, बिल्कुल दे रहा है। देखिए ये कंपनी, जैसा कि अभी बताया गया कि ये कंपनी हर सेगमेंट को कैटर करती है, हर एज ग्रुप को कैटर करती है, और प्लस ये अब प्रीमियम सेगमेंट की भी कंपनी है, हश पपीज बोल के ब्रांड है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो इनकी रीच है, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रूरल इंडिया में आप देखिए हर छोटे से छोटे गांव में जो भी चौक होता है वहां पे बाटा की दुकान होती है, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि मुझे कहीं ना कहीं एक वो भी हो रहा है कि हो सकता है कि कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे 1947 और इन सालों में, हो सकता है कि इनके प्रोडक्ट्स भी काफी यूज किए हुए हों, तो यही खास बात लगती है कि मुझे ये कंपनी आगे भी आने वाले सालों में, इतने साल से तो दे ही रही है रिटर्न्स, और आगे भी आने वाले सालों में ये रिटर्न्स देगी। एक महंगी वैल्यूएशन वाइज कंपनी है, करीब 57-58 के पी मल्टीपल पे है, बट आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और जो ओवरऑल मार्केट लीडरशिप है इस कंपनी की सबसे बेहतरीन है, और मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, और कहीं ना कहीं अगर ये 1090-1050 का रेंज आता है तो इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव, बाकी इन लेवल्स पे भी मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है 1350 के टारगेट के लिए। 1350 के टारगेट हैं, 6-9 महीने के लिए लेना है तो नीचे थोड़ा मिले तब खरीदिए, अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, इस भाव पर भी लेने की सलाह है, 1350 के टारगेट्स हैं। तो शानदार सत्तर में 6 स्टॉक्स की तो हमने बात की, अब 7th स्टॉक कौन सा, और रजा से फटाफट पूछ लेते हैं। टेक्सटाइल्स की बात आप कर रहे थे, उसमें सेंचुरी टेक्सटाइल्स का इतिहास भी बहुत पुराना है, 1897 कंपनी की स्थापना इस साल मुंबई बेस्ड कंपनी है। हाँ, एक कॉटन मिल थी इनके पास 1991 तक, सिर्फ एक कॉटन मिल थी, और उस 1991 के बाद क्योंकि एक रेवोल्यूशन सा आ गया यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स मिल्स खुलनी शुरू हो गई, तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स उसका बहुत फायदा उठाया, धीरे धीरे करके 1991 के बाद ये यार्न डेनिम पेपर कारोबार में उतरी, अब डाइवर्सिफाई करा उन्होंने, सीमेंट कारोबार में उतरी, सीमेंट कारोबार का तो शेयर बहुत ऊपर इनके आय में कंट्रीब्यूट करने लग गया, इसके अलावा टेक्सटाइल पल्प कारोबार का भी 46% आय में योगदान है। कंपनी के पास रियल एस्टेट
लैंड बैंक जो है वो बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर रेंटल इनकम जो है वो कंपनी को आती है, तो इसके चलते बहुत स्टेबल रिटर्न्स इसने निवेशकों को दिए हैं। लेकिन अब तो काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी बन चुके हैं, पेपर में, सीमेंट में, कई सेगमेंट्स में है। संदीप जी, आपकी राय सेंचुरी टेक्सटाइल पर। नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से देखिए, जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे, और इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव हो चुका है ये, और काफी करेक्ट भी कर चुका है अपने ऊपर के लेवल 1450 से। आप देखिए अभी करीब 1871 के लगभग है, और खास बात ये है कि जैसा कि कहा, एक बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छी पेडिग्री की कंपनी है बीके बिरला ग्रुप, और मेरे हिसाब से बिरला ग्रुप्स में भी सबसे रिस्पेक्टेबल ग्रुप्स में से ये एक है, और बहुत सारे सेगमेंट्स में है, और एक तरीके से रियल एस्टेट का जो इनका प्रेजेंस है वो बहुत बड़ा है, सीमेंट, पल्प एंड पेपर ये सब तो है ही है, तो सूडो रियल्टी प्ले बोल सकते हैं, वर्ली में इनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे कोई बुराई नहीं है, बाइंग भी की जा सकती है, और जो टारगेट्स है वो करीब 1110 के टारगेट के लिए बिल्कुल हो सकता है कि ये एक साल डेढ़ साल लग जाए, बट ये कंपनी मुझे समाव अच्छी लगती है। ठीक है, बाय भी कर सकते हैं, होल्ड भी कीजिए, 1110 के टारगेट है। तो शानदार 70 में टॉप 7 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, और इन 7 स्टॉक्स का नाम एक बार फिर से मैं मेंशन कर दूं, देवांशी ने बताया है ITC, कंसाई, नैरोलैक और बाटा, साथ ही रजत ने जो 4 स्टॉक्स रिसर्च करके निकालो सो बॉम्बे बर्मा है, सेंचुरी टेक्सटाइल है, TVS मोटर्स है, अरविंद है, और इन 7 स्टॉक्स पर व्यू भी आपको मिला है संदीप जी का। उम्मीद करते हैं खास शो आपको पसंद आया होगा रिपब्लिक डे के मौके पर। शुक्रिया संदीप जी शामिल होने के लिए शो में, और जो तमाम स्टॉक्स हमने निकाले उन पर अपने व्यूज देने के लिए। फिलहाल इस खास शो में इतना ही, नमस्कार।